नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चक दे क्रिकेट में। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज जारी है। 3 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इंग्लैंड के हाथों दूसरे मैच में करारी हार से सबक लेते हुए भारतीय टीम रविवार को फाइनल वनडे मैच में बदले हुए तेवर और नई रणनीति के साथ देशवासियों की होली में जीत के रंग भरने के इरादे से उतरेगी। बल्लेबाजों को मदद करती पिच पर इंग्लैंड ने पिछले मैच में 20 छक्के लगाए और 337 रनों के मुश्किल लक्ष्य को आसान बना डाला। इंग्लैंड के जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स ने भारतीय स्पिनरों को मनचाहे स्ट्रोक्स लगाकर खूब रन बनाए। तो कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को अगर सीरीज जीतना है तो बॉलिंग डिपार्टमेंट को दुरुस्त करके ही उतरना होगा। 336 रनों के विशाल स्कोर का बचाव अगर टीम के गेंदबाज नहीं कर पाए तो इससे बड़ी चिंता की बात नहीं हो सकती। तो तीसरे वनडे में भारतीय टीम में निश्चित तौर पर कम से कम एक बदलाव देखने को तो जरूर मिलेगा। गेंदबाजों में कुलदीप यादव ने 8 छक्के खाए। उन्होंने दूसरे मैच में 84 और पहले में 64 रन दिए थे। वहीं कुणाल पांड्या ने 6 ओवर में 72 रन दे डाले। ऐसे में इन दोनों की जगह युजवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर को उतारा जा सकता है। बल्लेबाजी में 336 रनों का स्कोर खराब नहीं था, लेकिन बल्लेबाजी की शैली में बदलाव की जरूरत है। भारतीय टीम आखिरी 15 ओवर में तेजी से खेलने पर भरोसा करती आई है और यह परिपाटी पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्थापित की थी। कई बार यह दांव चल जाता है, लेकिन विश्व चैंपियन इंग्लैंड ने दिखा दिया कि मददगार पिच पर शुरू से ही हमला बोलना सही रहता है। इसके बाद में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। कप्तान कोहली ने 2 मैच में अर्धशतक बनाया, लेकिन उनसे शतक की भी उम्मीद है। कोहली ने हालांकि कहा कि वह रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी शतक के लिए नहीं खेला, यही वजह है कि मैं इतने कम समय में इतने शतक बना भी सका। यह टीम की जीत में योगदान की बात है। आपके शतक के बावजूद टीम नहीं जीत रही है तो वो किस काम का। कोहली ने आखिरी एक दिवसीय शतक अगस्त 2019 में बनाया था। हार्दिक फिनिशर की भूमिका में होंगे, लेकिन हाल ही में संपन्न T20 सीरीज को छोड़कर उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है। टीम प्रबंधन को इस पर विचार करना होगा। तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार के साथ यॉर्कर विशेषज्ञ टी नटराजन को उतारा जा सकता है। वैसे शार्दुल ठाकुर फॉर्म में है, लेकिन उन्हें आराम देने पर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में से एक के लिए जगह बनती है। हालांकि तेज गेंदबाजी में भी बदलाव होने की कम उम्मीद है। अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के साथ प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ही निर्णायक मैच में खेलते दिखेंगे। दूसरी ओर इंग्लैंड के हौसले इस जीत से बढ़े हैं और बेन स्टोक्स का फॉर्म में आना राहत की बात है। तो चलिए जान लेते हैं फाइनल वनडे के लिए दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11। भारत की टीम: शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर या फिर टी नटराजन या मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इंग्लैंड के जो संभावित प्लेइंग 11 हैं वो इस प्रकार हैं: जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, ओयन मॉर्गन या डेविड मलान। ओयन मॉर्गन अगर फिट रहते हैं तो ओयन मॉर्गन ही खेलेंगे, अगर नहीं फिट रहते तो उनकी जगह डेविड मलान को मौका मिलेगा। जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, आदिल रसीद, मार्क वुड, सैम करन, रीश टॉपले या क्रिस जॉर्डन में से कोई एक। तो ये थे दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11। मैच दोपहर 1:30 बजे से पुणे के MCA स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस आधे घंटे पहले 1 बजे होगा। मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। आप स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 3 पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं मोबाइल पर इसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबले की पूरी उम्मीद है। अभी के लिए इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।